एनटीपीसी कोल डैम के जीएम एनएस ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष में एनटीपीसी ने कोल डैम ने लगभग 110% बिजली का उत्पादन किया है। डिजाइन एनर्जी ने 3055 एमयू बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसके मुकाबले एनटीपीसी कोल डैम ने 3450 एमयू बिजली उत्पादन किया है। इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोविड से लड़ने के लिए 9 मिनट का जो आह्वान किया गया था, उस दौरान ग्रेट फेलियर को बचाने के लिए एनटीपीसी कोल डैम ने ग्रेड को बचाने के लिए काफी प्रयास किया। पेरिस में पर्यावरण को लेकर जो समझौता हुआ है, उसके अंतर्गत एनटीपीसी ने 2 नए प्रोजेक्ट हाइड्रो के क्षेत्र में शुरू करने जा रही है, जिसका हिमाचल सरकार के साथ एग्रीमेंट होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के चिनाब नदी पर सोली 400 मेगावाट और उदयपुर शहर में मियार में 120 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट आगामी भविष्य में एनटीपीसी द्वारा स्थापित किए जाएंगे और जैसे ही एग्रीमेंट फाइनल होगा, इस दिशा में काम किया जाएगा। कार्बन को 2032 तक 20% कम करने की दिशा में एनटीपीसी प्रयासरत है और ईंधन कोयला से उत्पन्न होने वाली विद्युत प्रोजेक्टों की ओर ध्यान न देकर रिन्यूएबल हाइड्रो सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट की ओर फोकस किए हुए है। पिछले वर्ष में एनटीपीसी कोल डैम ने जो हमारी क्षमता का लगभग 110% विद्युत उत्पादन किया और हमने जो हमारी डिज़ाइन एनर्जी है 3055 मिलियन यूनिट, उसके अगेंस्ट में हमने 3450 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो इस वर्ष जो है जो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कोविड से लड़ने के लिए देशवासियों का आह्वान करने के लिए जो 9 मिनट का अंधेरा किया गया था, उस समय कोल डैम ने पूरे देश की ग्रिड को सपोर्ट किया और यह जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है जो बिना किसी दिक्कत के ये जो है पूरा हो गया। और जहाँ तक हाइड्रो की और रिन्यूएबल एनर्जी की जो फ्यूचर संभावनाओं की बात है, उसमें बताना चाहूँगा कि पेरिस कन्वेंशन के परिप्रेक्ष्य में देश ने यह डिसाइड किया है कि हम जो है अपने कार्बन फुटप्रिंट को 2032 तक जो है काफ़ी कम कर देंगे, 20% के लिए हम कम करेंगे और उसके लिए जो है कोयले से चलने वाली परियोजनाओं के बदले जो है हम जो है सोलर रिन्यूएबल और हाइड्रो की परियोजनाएं जो कि पर्यावरण के लिए लाभदायक हैं उन पर जो है हम जो है अधिक जोर देंगे। और जहां तक हिमाचल में एनटीपीसी के और आगे की बात है, परियोजनाओं की बात है, तो एनटीपीसी अभी जो है चिनाब वैली में लाहौल एंड स्पीति ज़िले में 2 परियोजनाएं, एक सेली है जो 400 मेगावाट की है और मियार जो है 120 मेगावाट की है, इन पर हमारा राज्य सरकार से हमारा अनुबंध होने वाला है और शीघ्र ही अनुबंध होने वाला है और इसको ऑलरेडी सरकार ने हमें इसको डेवलपमेंट करने के लिए